नमस्कार दोस्तों, आज हम DSSB के ग्रुप सी के कुछ पोस्ट के बारे में बात करेंगे। DSSB यानी दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हर साल ग्रुप बी व ग्रुप सी के पोस्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। आज के पोस्ट ग्रुप सी के अंडर आते हैं, आइए इन पोस्ट के नाम जान लेते हैं। पहला स्टोर कीपर, दूसरा केयरटेकर, कारपेंटर, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, ड्राइवर, फायर ऑपरेटर, पटवारी व अहलमद। अगर आप भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले DSSBonline.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास 10th क्लास का रोल नंबर व आधार नंबर रेडी होना चाहिए। कैंडिडेट्स जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर व पासवर्ड से लॉग इन करके इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। DSSB अपने हर एक एग्ज़ाम के लिए फ़ीस मात्र 100 रुपये रखता है, जो कि काफ़ी सारे कैटेगरीज के लिए खारिज भी कर दी जाती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें अगर हम इन पोस्ट का, तो उसमें स्टोर कीपर या केयरटेकर के लिए ग्रेजुएशन लेवल होना ज़रूरी है या बैचलर्स डिग्री ज़रूरी है। वहीं ड्राइवर की पोस्ट व अहलमद की पोस्ट के लिए आपके पास सीनियर सेकेंडरी लेवल का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। फायर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए फिज़िकल स्टैंडर्ड्स भी देखे जाते हैं, तो अगर आप ध्यान देंगे हर एक पोस्ट डिपार्टमेंट व लेवल के हिसाब से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज कर देता है। इस एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत ही सिंपल होता है, यह Tier 1 एग्ज़ाम होता है व ये बायलिंगुअल होता है। बायलिंगुअल का मतलब आप इसे हिंदी व इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में दे सकते हैं। इस एग्ज़ाम में जनरल टॉपिक्स आते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी व इंग्लिश लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन। नेगेटिव मार्किंग के तौर पर हर एक गलत जवाब में 0.25 मार्क्स कट जाते हैं। ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है व इसमें 200 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे जैसे एग्ज़ाम के हिसाब से अगर आप पोस्ट के लिए जाएंगे तो उस हिसाब से आपकी सैलरी लेवल व ग्रेड पे चेंज होता जाएगा। अगर आप ये सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे फोरम communitycommunity.exampathfinder.com पर आके ये सभी डिटेल्स देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।